दोस्तों, अगर आप भी ईशान किशन को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे T20 मैच में भी ईशान किशन का जलवा कुछ इस कदर देखने को मिला कि मैदान में आते ही उन्होंने छक्कों की बारिश कर दी। और कैसे ईशान किशन ने बैक टू बैक 3 छक्के जड़कर आज अफ्रीकियों के होश उड़ा कर रख दिए थे, आपको उनकी पारी का पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है किशन केएल राहुल में बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला कटक के मैदान में शुरू हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ ऋषभ पंत टॉस हार गए। टीम में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन बल्लेबाजी की अप्रोच में भी ज्यादा कुछ चेंज नहीं नजर आया, क्योंकि दोस्तों टीम की बल्लेबाजी के लिए शुरुआती दौर में मैदान में बुलाया गया ईशान किशन को और ऋतुराज गायकवाड़ को। गायकवाड़ का फ्लॉप प्रदर्शन एक बार फिर से जारी रहा। 203 रन बने थे भारतीय टीम के, ना कि केवल गायकवाड़ के, और फिर गायकवाड़ का विकेट गिर जाता है। बॉलों में 1 रन लगाकर वो कैच आउट हो जाते हैं। गायकवाड़ का विकेट पावर प्ले में गिरना बहुत बड़ा झटका था भारतीय टीम के लिए, लेकिन इस झटके से उबारा हमें ईशान किशन नाम के खिलाड़ी ने, जिन्होंने दोस्तों धूम मचा कर रख दी अपने छक्कों से। दोस्तों, ईशान किशन ने छक्कों की बरसात करते हुए अफ्रीकी टीम के खिलाड़ियों के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। इस सिलसिले की शुरुआत 200 पारी के चौथे ओवर से हो गई थी। ईशान के सामने एनरिक नॉर्खिया जैसे बेहद ही सफल व अनुभवी गेंदबाज आ गए थे, लेकिन ईशान किशन ने उनको ही पाठ पढ़ा डाला। दोस्तों, इस ओवर की दूसरी और चौथी गेंद पर ईशान किशन ने 2 ऐसे बैक टू बैक छक्के जड़े जिसे देखकर हर कोई हैरान था। नॉर्खिया को लगे छक्के उनकी आंखें खोल चुके थे और यहीं से सारा प्रेशर शिफ्ट हो गया था फिर से साउथ अफ्रीकी टीम पर। लेकिन ईशान की ये आंधी केवल यहीं नहीं रुकी। इस ओवर में दोस्तों ईशान किशन ने एक और बेहतरीन छक्का लगाया। 3 गेंद में 18 रन मिलने से अब सारा प्रेशर साउथ अफ्रीका के सर पर नजर आ रहा था। ईशान किशन की ये धांसु पारी भारत को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा ही रही थी। 21 गेंदों में 34 रन लगाने वाले ईशान किशन आखिरकार कैच आउट का शिकार बन ही गए। ईशान किशन ने इतनी तेज तर्रार पारी के अंदर 3 छक्के व 2 चौके लगाए थे। 21 गेंद में उनके 34 रन हो चुके थे, लेकिन नॉर्खिया की गेंद पर वो वेंडी ड्यूसन को कैच थमा बैठे और उनकी हसीन पारी वहीं समाप्त हो गई। हालांकि श्रेयस अय्यर ने आकर हाथ जरूर बटाया, लेकिन 10 ओवर में जितना स्कोर बनना चाहिए था फिर उतना बन नहीं पाया। लेकिन ईशान किशन के लिए सबने खड़े होकर तालियां जरूर बजाई, क्योंकि इस खिलाड़ी ने अब सबको गलत साबित कर दिया है। जो उंगलियां इन पर आईपीएल के बाद उठ रही थी वो सब नीचे हो चुकी हैं। पिछले मैच में भी इनके 76 रन थे, लेकिन इनकी पारी को आज आप 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। रवि, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।